हाय एवरीवन, आई एम जरक शाह जेब और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल जरा क्रिएशन। फ्रेंड, आज के वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप सिलेक्टिव कलर वाला ग्लास वंड किस तरह से बना सकते हैं। और बाकी यार, ये भी आप लोगों को बताता चलूं कि मैंने यार व्हाट्सएप ग्रुप से किसी को भी रिमूव नहीं किया। मैं जब व्हाट्सएप ग्रुप खत्म करने लगा था तो वहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि यार मैं व्हाट्सएप ग्रुप खत्म करने लगा हूँ। मैंने यार व्हाट्सएप ग्रुप हमेशा के लिए खत्म किया है। मैंने आप लोगों को रिमूव नहीं किया क्योंकि कुछ फ्रेंड मेरे इनबॉक्स में पर्सनल आ रहे हैं, वो मुझसे ये सवाल कर रहे हैं कि भाई आपने हमें रिमूव कर दिया, क्यों किया है। यार मैंने किसी को भी खा मका रिमूव नहीं किया, तो यार मैंने व्हाट्सएप ग्रुप ही खत्म कर दिया है। ठीक होगा, कर दिया तो मैंने ये ग्रुप में आप लोगों को बताया था कि मैंने क्यों किया था। ठीक होगा, इतना होने के बाद सिंपली यहाँ पे आप लोगों ने आ जाना है, यहाँ पे पिक ऐड करनी और आप लोगों ने अपना नेम टाइप कर देना है। ठीक होगा, कोई भी आप नेम लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आऊँगा और एन लिखूंगा। बाकी यार मैंने आप लोगों को ऑलरेडी भी बताया था, आप भी बता देता हूँ, क्योंकि यार मैं अकेला था, मेरे पास और कोई ऐसा ट्रस्टेड एडमिन नहीं था जिसको मैं बनाता, और मैं 24 घंटे यार ऑनलाइन नहीं रह सकता था क्योंकि ग्रुप ऑन करना, क्योंकि ग्रुप ऑन रखना ज़रूरी होता था। इस वजह से यार मैंने ग्रुप ख़त्म किया। ठीक है, तो मेरे पास ऐसा कोई एडमिन नहीं था। ठीक है, इस मजबूरी की वजह से मैंने ग्रुप ख़त्म कर दिया। अगर कोई ट्रस्टेड एडमिन होता तो फिर मैं कभी भी ग्रुप ख़त्म ना करता। अगर मुझे कोई ट्रस्टेड एडमिन मिला तो मैं फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह ग्रुप बना के आप लोगों को बता दूंगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। इतना होने के बाद आप लोगों ने करना है क्या, सिंपली यहाँ पे इस पर दूसरा फॉन्ट लगाना है। तो यहाँ पे मैंने बेसिकली 5 फॉन्ट यूज़ किए, पांचों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। यहाँ पर इसको मैंने एडजस्टमेंट कर दिया, फिर इसकी कॉपी करनी है और सिंपली आप लोगों ने ई लगाना है, ओके कर देना है। नीचे आने यहाँ पर मैं एक और फॉन्ट लगाऊंगा जिसका नाम है बबल फॉन्ट। ठीक हो गया, अगर आप में से मेरा ग्रुप कोई हैंडल करना चाहता है, संभालना चाहता है, वो एडमिन बनना चाहता है, अगर वो टाइम दे सकता है तो आप आ सकते हैं, मैं फिर से नया ग्रुप क्रिएट कर लूँगा, आप लोगों को एडमिन बना दूंगा, जो भी ट्रस्टेड है। ठीक है, मतलब ग्रुप में टाइम थोड़ा बहुत देगा, ठीक है, हैंडल करेगा अच्छे तरीके से, ठीक है, अच्छे तरीके से ग्रुप मेंबर को सेटिस्फाइड करेगा, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर बना देता हूँ। तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर जैसे चल रहे चलने दो। ठीक है, इतना होने के बाद फिर इसकी कॉपी करें और यहाँ पे एफ कैपिटल लेटर में आप लोगों ने लिखना है। ठीक हो गया, इतना होने के बाद सिंपली आप लोगों ने यहाँ पर लीव्स फॉन्ट लगाना है। ठीक है, जितने फॉन्ट्स मैं यूज़ करूँगा सब का लिंक आप लोगों को कहाँ पर मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ पर आऊँगा, इसको यहाँ पर रखूँगा, फिर कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद सिंपली आप लोगों ने करना है कि यहाँ पे कैपिटल लेटर में एन लिखना है। एन लिखने के बाद यहाँ पे फिर आप लोगों ने फॉन्ट चेंज करना है, इस फॉन्ट का नेम है डिमास्क डेंग्स। ठीक हो गया, डिमास्क डेंग लगा लिया। इसको थोड़ा सा आप लोगों ने इस तरीके से कर लेना है, यहाँ पर आप लोगों ने इसको लगा लेना है, यहाँ पर लग गया। फिर आप लोगों ने यहाँ पर आई लगाना है, ठीक है, सॉरी एन हटा के आई लगा लेना है। आई लगाने के बाद आप लोगों ने ये वाला डिज़ाइन कहाँ पर लगाना है, इसको तकरीबन यहाँ पर लगा लेना है, यहाँ पर लग गया। इसको संभाल भी कर सकते हैं और जैसे भी आप रखना चाहें आप रख सकते हैं, देखे संभाल कर दिया, इसको यहाँ पे लगा लीजिएगा। ठीक है, इतना होने के बाद आप लोगों ने इसका बैकग्राउंड कर देना है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट कर दिया। ठीक हो गया, और इसको आप लोगों ने अल्ट्रा में सेव कर देना है। ठीक है, अल्ट्रा में सेव कर दिया। जैसे ही ये नेम हमारा सेव हो जाएगा, अगला प्रोसेस मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर देख के मैं एक दफ़ा फिर आ गया यहाँ पर बैक। ठीक है, अब आप लोगों ने करना क्या है, पेक को छोड़ के बाकी आप लोगों ने लेयर डिलीट कर देनी। ठीक है, यहाँ पे इनको डिलीट कर देना है, पेक को डिलीट नहीं करना, ये बात आप लोगों ने माइंड में रखनी। अब आप लोगों ने करना क्या, जो नेम अभी सेव किया उसको आप लोगों ने यहाँ पर आना है और इंपोर्ट कर देना है। अच्छा फ्रेंड, यहाँ पर मैंने इंपोर्ट कर दिया, आप लोगों ने यहाँ पर आना है और जिस तरीके से जिस जगह पर आप रखोगे आगे चल के बताऊँगा कि इसका फ़ायदा क्या होगा। ठीक है, अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने पेक के ऊपर एडजस्टमेंट कर देना है। अब आप लोगों ने इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट करना है और इसको सिंपली फ्रेंड सेव कर देना है। ठीक है, सेव कर दिया। जैसे ही मैंने सेव किया, अगला प्रोसेस भी आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे हो गया, अब आप लोगों ने करना कि यहाँ पे आ जाना, इस इंपोर्ट वाले ऑप्शन में ना यहाँ पर आप लोगों को कलर वाला ऑप्शन मिल जाएगा, इसको अनेबल कर देना है। तो इसके बैकग्राउंड में कौन सा आ रहा था, ये वाला कलर सियान आ रहा था। ठीक हो गया, और अब आप लोगों ने करना का सिंपली यहाँ पर अरेजर टूल में आ जाना है और शायद इसका काम यहाँ पर करके, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने कुछ इस तरीके से आप लोगों ने कर देना है। यहाँ पर कर दिया और टेक पे क्लिक कर देना, टेक पे क्लिक करके इसको भी आप लोगों ने अल्ट्रा में सेव कर देना है। सेव कर लिया। अच्छा, जैसे ये नेम भी सेव हो जाता है, अगला प्रोसेस भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक हो गया, इतना होने के बाद आप लोगों ने करना है क्या, फिर अरेजर में आना है और सिंपली यहाँ पे इसको एक दफ़ा बैक करना है, इसको फुल पीछे करना है और इसका साइज़ कम करके यहाँ पर फिर आप लोगों ने इस तरीके से कर देना है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने कलर चेंज कर देना है, यहाँ पर आना है और यहाँ पर कलर वाले ऑप्शन में आना है और ये वाला कलर रख लेना, एक कलर ये था। ठीक है, यहाँ पे इसको थोड़ी बहुत चेंजिंग करना चाहें तो आप कर सकते हैं। फिर आप लोगों ने इसको भी अल्ट्रा में रख के सेव कर देना है। यहाँ पे सारा काम पिक्स लेवल हमारा ख़त्म हो गया। अब आप लोगों ने आना है पीएस टच ऐप में।
अच्छा अब मैं आ गया यहाँ पर पीएस टच ऐप में, प्लस पेन है, फोटो लाइब्रेरी में है। सबसे पहले आप लोगों ने वो फोल्डर ढूंढना है जिसमें आप लोगों की पिक पड़ी है, ठीक है। यहाँ पे आऊंगा और पिक्चर वाले फोल्डर में मेरी पिक पड़ी है, मैं पिक ऐड कर दूंगा, ठीक है। अगला प्रोसेस भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। पिक ऐड हो गई, अब आप लोगों ने करना है इसको थोड़ा सा जूम कर देना है, ठीक है। यहाँ पे करूंगा यहाँ तक, ठीक है। फिर आप लोगों ने यहाँ पे आना है और अपना नेम ऐड कर लेना है, पिक्सल वाले फोल्डर में आना है और अपना नेम ऐड कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप नेम ऐड करोगे खुद ब खुद यहाँ पर एडजस्टमेंट होकर आ जाएगा, ठीक है। इतना होने के बाद इसकी दो डुप्लीकेट कॉपी कर लेनी है, टोटल तीन लेयर होगी। फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट करना है, एफ एक्स में आना है और बेसिक में रहकर लैटिंग में आना है। ये जो एरो होती है ना, ये जो ऊपर लेकर मैं गया हूँ यहाँ पे देखे साइड पे, इसको ऊपर लेकर जाना है और इसका ब्लेंड मोड यहाँ से स्क्रीन कर देना है। फिर सेकंड लेयर में आना है, एफ एक्स में आना है और ड्रॉप एंड शेडो में आ जाना है। यहाँ पे इसका एंगल 19 पे रहने देना है, ब्लर 5 और जो डिस्टेंस है 6 पे करके टेक पे क्लिक कर देना है। इसका ब्लेंड मोड यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेना है। फिर आप लोगों ने आ जाना है थर्ड वाली लेयर में और एफ एक्स में आना है और बेवल में आ जाना है। इसका यहाँ पे देखिए ऑलरेडी सेट है, ब्लर 17:5 मतलब 75 पे और डिस्टेंस 65 मतलब 65 पे और एंगल कितना 135 मतलब 135 पे, कलर ब्लैक। यहाँ तक होने के बाद आप लोगों ने इसका ब्लेंड मोड यहाँ से ओवरले कर देना है। ओवरले कर दिया, फिर फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट करना है, एफ एक्स में आना है और ग्लो में आ जाना है, ठीक है। 0.6 इस बात का तो आप लोगों को पता होगा इस स्टेप्स का, ठीक है, कि ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ब्लर जो है 0.6 बेसिकली रखी जाती है और कलर आप लोगों ने वाइट रख लेना। यहाँ तक हो गया, अब आप लोगों ने करना है, यहाँ तक होने के बाद आप लोगों ने फोटो लेयर में आना है और बारी बारी ये वाली जो बनाई थी लेयर इनको सिलेक्ट कर देना है, ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आप लोगों ने करना क्या है, यहाँ पे जो ऊपर ऐड हो गए इनको यहाँ पे रखना है, ठीक है, तकरीबन यहाँ पे। फिर आप लोगों ने यहाँ पे आना है और दूसरी आप लोगों ने लेयर ऐड कर लेनी है, ठीक है। लेयर ऐड कर ली और टेक पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। ये देखिए अब यहाँ पे आप लोगों ने इसकी थोड़ी बहुत सेटिंग करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसको यहाँ पर रखेंगे तो ऐसे आएगा, इसको ऊपर रखोगे तो ये ऐसे आएगा। अब ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, जितना भी आप अरेंज करोगे उस तरीके से। ये देखिए आप लोगों का सिलेक्टिव कलर बन जाएगा ग्लास पॉइंट, लेकिन इसको यहाँ पर ऐसे रखोगे तो वो काम आएगा, ठीक है। अब ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। इतना होने के बाद इनका ब्लेंड मोड यहाँ पर आप लोगों ने ओवरले कर देना, ओवरले करोगे तो ऐसे आएगा। नीचे वाली लेयर जो है इसका भी ब्लेंड मोड यहाँ पर आप लोगों ने ओवरले कर देना, ये इस तरीके से आएगा। लेकिन इसको आप लोगों ने इसके ऊपर रखना है, ये नीचे रखना है, ठीक हो गया। बाकी यहाँ पे ऊपर भी आप कर सकते हैं, बाकी सेटिंग आप खुद देख सकते हैं। लेकिन एक बात आप लोगों ने माइंड में रखनी है, इसका ब्लेंड मोड यहाँ पे आप लोगों ने नॉर्मल ही रखना है, ठीक हो गया। तो बाकी यहाँ पे आप इसका ब्लेंड मोड और चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। इसको नीचे ऊपर जैसे भी आप रखेंगे, यहाँ पे देखें नीचे रखोगे तो ऐसे आएगा, ऊपर रखोगे तो ये ऐसे आएगा, ठीक है। अब ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा मतलब कलर रखना चाहते हो, ठीक है। सियान को आप लोग रखोगे तो यहाँ पे इसको नीचे करना ये आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप लोगों का ग्लास पॉइंट रेडी है, आप लोगों ने इस डन पे क्लिक करके इसको सिंपली सेव कर देना। यहाँ तक होने के बाद आप लोगों ने सेव पे क्लिक करना है और शेयर पे क्लिक करना है, सेव टू गैलरी में PNG में रखकर इसको सेव कर लेना। फ्रेंड आज की मेरी बस ये थी वीडियो, के वीडियो पसंद है लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।